सोशल डिस्टेंस। हमें बहुत ज्यादा परेशान थे, हमारी साफ सफाई टीम ने हमें बहुत ज्यादा केयर की, खास करके साफ में और सब साफ इनके लिए तो दुआ मेरे हाथ में हाथ। जी पहले तो हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला के इस महामारी से हमको निजात दे दी और हम घर जा रहे हैं खुशी खुशी। इसमें तो पहले हमारे पेरेंट्स का और उसके बाद जो मेडिकल स्टाफ है यहाँ पर, जितनी भी इनको फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिली थी उन्होंने बाज़ाब्ता हमको प्रोवाइड कर दी। इवन जो मसूदी सर हैं वो तो कभी कभी खुद भी मेडिसिन लेकर आते थे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इन लोगों का और अल्लाह ताला का भी कि यहाँ से हमको अच्छे से हम ठीक होकर जा रहे हैं। और हमारा मैसेज था लोगों के लिए और मीडिया को भी कि आप लोगों को ना डराएं, ये उतनी जानलेवा बीमारी नहीं, इसकी फर्टिलिटी रेट बिल्कुल 3% है, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे दूसरी डिजीज से बिल्कुल कम है। आप ना डरें, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं, आप रिपोर्ट कीजिए, यहाँ पर बिल्कुल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सब कुछ मिल रहा है हमें। और ये हमारे परिवार के लिए और हमारे ये हमारे लिए ये सही है, हमारे अपनों के लिए। और इसी से हम इस पैनिडेमिक से, हम इस बीमारी महामारी से हम निजात पा सकते हैं। सीधा हमें यहाँ तक लाए, यहाँ से उठाकर हमें ले गए गौखाना में डाल दिया हंदवाड़ा में, ITI में। उसकी वजह से हमें बहुत इन्फेक्शन हुआ, वहाँ से 14 दिन रखा, 14 दिन के बाद यहाँ लाया इन्होंने। फिर यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छी सहायता मिली, इन डॉक्टरों ने हमारी बहुत ज़्यादा केयर की, खास करके सुप्रिटेंडेंट साहब ने हर टाइम हमारी केयर की, हर टाइम हमारे साथ रहे, क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, हर चीज़ की इन्होंने हमें सहायता दी। तो आज आप खुश हैं? से देना चाहती हूँ कि डॉक्टरों के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, हैं, और ये बीमारी कोई बीमारी नहीं है, कुछ बीमारी नहीं है, अपना दिल बनाओ और कुरान को हराओ। और मैंने ये उस टाइम भी ये आवाज़ दी, जब मुझे आया भी पॉजिटिव, मैंने उस टाइम भी बोला सब डॉक्टर साहबों को कि मैं कोरोना को हरा के दिखाऊंगी, और मैंने कोरोना को हराया। तक GMC बारामूला का सवाल है, जैसे आपने देखा आज हमने 7 पेशेंट्स को घर डिस्चार्ज किया जो यहाँ से सेहतियाब होके जा रहे हैं, वहाँ और भी 12 पेशेंट्स हैं जिनको हम कल भेजेंगे इंशाल्लाह। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपकी वसातत से कि लोगों का एक बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहते हैं कि जो कोऑपरेशन हमें मिला लोगों की तरफ से इस चीज़ को कंटेन करने में, इस चीज़ को ये अचीवमेंट हासिल करने में कि जो हम कंटेन कर पा रहे हैं इस एपिडेमिक को। जहाँ आप ये देख रहे हैं कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जो फेल हो गई इस पेंडेमिक के आगे, वहाँ पर हमारी जो इंडिया की जब हम बात करेंगे, स्पेशली हम कश्मीर की बात करेंगे, हम इसको विदस्टैंड कर पाए और हमारी जो यहाँ पर इस वक्त जो लोगों में अपने हेल्थ केयर में पूरा जो विश्वास है वो बरकरार है, और इसे ना ही इतना कि लोगों को हमने यहाँ से ट्रीट किया और यहाँ से सेहतियाब होकर घर भेजा, इससे ये बात साबित होती है कि हमारे जो हेल्थ केयर है इट इज़ डिपेंडेबल, और हमारी सरकार के जो इंटरवेंशनस थे दे वर्कड, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसमें इंटरवेंशनस थे वो पूरी तरह से काम आए। का मुकाबला करने के लिए जो है वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक कोविड सेंटर जो है वो GMC बारामूला में कायम किया गया था, और जहाँ पे हमारे पास जो है जितने कोविड अफेक्टेड जो है वो पेशेंट्स थे, या जो पेशेंट्स जिनका टेस्ट करना, सैंपलिंग करना, वो सारा प्रोसेस यहाँ होता है। तो आज हमने यहाँ से जो है 6 ऐसे पेशेंट्स को जो है 7 पेशेंट्स को यहाँ से आज जो है वो अपने अपने घरों की तरफ जो है डिस्चार्ज किया है, जिसमें से कुछ लोग जो है हंदवाड़ा से हैं, कुछ लोग टंगडार से हैं, कुछ लोग बांडीपोरा से हैं, और ख़ास तौर से जो पहला पेशेंट हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में आया था बांडीपोरा से, तो वो भी आज अल्लाह के फजल करम से जो है यहाँ से इलाज कम्प्लीट करके सेहतियाब होकर के जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये आगे जाकर के जो इनको हेल्थ की तरफ से एडवाइजरी मिली है उस पर बाज़ाब्ता अमल करेंगे। जहां हम देखते हैं कि पिछले कई दिनों से जो है बारामूला में जो पॉजिटिव केसेस का जो है वो आना कम हो गया है,
लेकिन वहीं मैं लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन किया और हमारी डॉक्टर्स की टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने पेशेंट्स में एक कॉन्फिडेंस लाया और आज हमने यहाँ देखा कि 7 पेशेंट्स को हमने आज डिस्चार्ज किया और मुझे बताया गया है कि कल से ये सिलसिला और भी चलेगा, और भी पेशेंट्स डिस्चार्ज होंगे और आगे आने वाले दिनों में जैसे पहले ही हमने जो है वो मतलब किया है आवाम को कि रेस्ट्रिक्शंस हमारे डिस्ट्रिक्ट में जारी रहेंगी, इसमें अभी कोई रिलैक्सेशन जो है वो हम नहीं देने वाले हैं क्योंकि हम जो है वो चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ख़ासतौर से बारामूला में एक स्टेबिलिटी का स्टेज आए जहां बिल्कुल ही जो है पॉजिटिव पेशेंट्स के हवाले से हमें जो है एक स्टेबल पोजीशन बन जाए ताकि जो कंटेनमेंट के हवाले से या जो बाकी आगे जो रैशनलाइजेशन करनी होगी विद रिगार्ड टू स्टाफ कौन सा आना होगा या किन किन चीज़ों को हमें परमिशन देनी है तो उसके हवाले से एक डिसीजन जो है लिया जाए।